सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को जो है नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक हम लोग हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच के जो आदेश हैं उसको राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र उसे लागू किया जाए, मानदेय 17,000 हमको दिया जाए और उसके बाद हम लोगों को जल्द से जल्द जो है नियमित किया जाए, और जो हमारी महिला अनुदेशक बहनें हैं इनको CCL की व्यवस्था दिया जाए, और हम लोगों को आकस्मिक अवकाश मेडिकल की सुविधा, ये जो हमारे ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा हमको दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है समान कार्य समान वेतन, तो सारी चीज़ हम पर भी वही चीज़ लागू किया जाए। जब हम भी 9 से 3 बच्चों को शिक्षा देते हैं और हम लोग BLO की ड्यूटी करते हैं, हम लोग चुनाव में करवाते हैं तो मतगणना करते हैं, जनगणना करते हैं, सारी चीज़ों का जो है सरकार के छवन सा हम लोग पालन कर रहे हैं, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को DM महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, मैं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन जनपद बस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ।